नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल जॉब लाइन में। तो आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो मेमोरी है, कंप्यूटर की मेमोरी में जो यूनिट्स होती है, यूनिट्स कंप्यूटर का पार्ट था एक मेमोरी, जो कि मैंने आपको करवा दिया है थ्योरी। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर की मेमोरी की यूनिट्स के बारे में। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये यूनिट्स क्या होती है? यूनिट्स जैसे आप सभी ने सुना होगा GB है, डेली यूज़ करते हो मोबाइल फ़ोन्स में, लैपी के अंदर, सिस्टम में MB, GB, TB, ठीक है, ये सारी की सारी क्या होती है? मेमोरी की यूनिट्स होती है। तो स्टार्ट करने से पहले आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकें। और जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दीजिए, और जो फर्स्ट बार हमारे चैनल पर हैं वो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे हमारे वीडियो का नोटिस आप सभी को मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो, बिट मेमोरी है, मेमोरी की जो सबसे छोटी स्टोरेज होती है उसे हम बिट कहते हैं। याद रखना, मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है वो क्या होती है? बिट होती है। इससे छोटा कुछ भी नहीं है, बिट से छोटा कुछ भी नहीं है। और यह डाटा को स्टोर करती है सिर्फ दो ही वैल्यू को, दो ही वैल्यू को स्टोर करती है। कौन कौन सी? जीरो या एक को। जहाँ पे जीरो का मतलब तो होता है ऑफ और एक का मतलब होता है ऑन। बाइनरी सुना होगा, बाइनरी लैंग्वेज में यूज़ होता है, ठीक है। तो जो बिट है वो दो ही वैल्यू को स्टोर करती है, जहाँ पे जीरो का मतलब वेयर जीरो इज़ ऑफ एंड वन इज़ ऑन, ठीक है। जीरो का मतलब ऑफ और एक का मतलब क्या होता है? ऑन होता है। तो आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई यूनिट कौन सी है? बिट। इससे छोटा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दूसरा निबल। अब जो निबल है वो बिट से थोड़ी सी बड़ी होती है, बिट से थोड़ी सी बड़ी होती है। एक निबल है, एक निबल है जो वो 4 बिट से मिलकर बनी होती है। एक निबल है जो कितने बिट से? 4 बिट से बनी होती है। मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रख लेना। पीछे एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा पूछा जा चुका प्रश्न एक ये है और एक बाइट का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, तीन नंबर है हमारे पास बाइट। देखो, जो बाइट है वो बिट से भी हम बना सकते हैं, बोल सकते हैं कि जो 8 बिट्स है वो कितने के बराबर होगी? 1 बाइट के बराबर होगी, ठीक है। 8 बिट्स है वो किसके बराबर होगी? 1 बाइट के बराबर होगी। या फिर देखो, एक निबल है वो 4 बिट के बराबर होती है, तो 2 निबल कितने बिट के बराबर होगी? सर 8 के बराबर होगी। और 8 के बराबर में क्या होता है? 1 बाइट होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं? 2 निबल किसके बराबर में होगा? 1 बाइट के बराबर में होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट होती है, याद रखना। उससे बड़ी होती है निबल और उससे बड़ी होती है बाइट। 1 बाइट है, उसमें 8 बिट होते हैं, या फिर 2 निबल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, KB, किलोबाइट। किलोबाइट है वो 1024, 1024 बाइट से मिलकर क्या बनता है? 1 KB बनता है। 1 KB क्या हो गया? किलो बाइट हो गया। 1 KB किलो बाइट हो गया। फिर उससे बड़ी मेमोरी है वो होती है MB। MB का तो यूज़ आप करते ही हो, कोई भी आप पिक लेते हो तो 2 MB की, 3 MB की, 4 MB की जो पिक्स होती है, जो फोटो में होती है, आप डेली यूज़ करते हो, ठीक है। तो रूटीन लाइफ में तो वो जो पिक होती है वो स्टोर होती है, वो किस में होती है? MB के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, और 1 MB है, 1 MB 1024 किलोबाइट से बनकर बनती है, ठीक है। 1024 KB इज इक्वल टू क्या होगा? 1 MB होगा। नेक्स्ट देखो, GB, 1024 MB से, 1024 MB से क्या बनता है? 1 GB बनता है। 1024 MB से क्या बनेगा? 1 GB बनेगा। अब जो आप फिल्म
सॉरी फिल्म देखते हो जो भी, या फिर कोई वीडियो डाउनलोड कर रहे हो, जैसे बड़ा वीडियो है, जैसे 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो है, कोई फिल्म है, मूवी है, कोई वेब सीरीज़ है, तो जो वेब सीरीज़ और वो बाकी होती है वो सारी स्टोर होती है GB में। ये तो रूटीन लाइफ में आप यूज़ करते हो इनका, ठीक है। तो GB है, 1 GB इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1024 MB के बराबर में होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1 TB, 1 TB का मीन्स होता है टेरा बाइट, टेरा बाइट। 1024 GB जब मिल जाएगी तो 1 TB बनेगा, 1 TB बनेगा, 1024, 1024 GB, GB होता है GB की फुल फॉर्म है, ठीक है। 1024 GB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 TB हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास PB, तो जो TB से बड़ी इकाई होती है वो होती है PB, पेंटाबाइट, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी होगी। देखो काफ़ी बड़ी कैसे होगी कि 1024 TB, 1024 TB जब मिलेंगे तो 1 PB बनेगा, 1 PB मिलेगा, ठीक है, 1 PB। इनका यूज़ हम नहीं करते हैं, इनका यूज़ बड़े बड़े अनुसंधान केंद्र और उनमें किया जाता है, बड़े बड़े जिन्होंने मेमोरी के जो पार्ट्स से जो मेमोरी रैम रोम और वो हमने किया था, वो जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा एक्साबाइट। देखो 1024 PB है, 1024 PB से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एक्साबाइट, ठीक है, एक्साबाइट बोलते हैं। 1024 PB, पीबी से 1024 PB से क्या मिलेगा, 1 EB मिलेगा, ठीक है। फिर वीडियो को पूरा देखना, लास्ट में एक ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। उसके बाद नेक्स्ट है 1024, 1024 EB मिलके क्या बनता है, 1 ZB बनता है, 1 ZB बनता है, ठीक है, ZB। पीछे पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है ये कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मेमोरी की इकाई कौन सी है, आगे और भी बड़ी है, तो उन्होंने ऑप्शन में ये दे रखा था, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट, दोबारा इसको रिपीट करता हूँ, 1024 EB मिलके क्या बनाते हैं, 1 ZB बनाते हैं, 1 ZB। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये 4 ऑप्शन थे, एक तो था ZB, एक था YB, एक BB और एक था GB, ठीक है। तो अधिकतर स्टूडेंट्स ने आंसर ये दिया था क्योंकि उन्होंने सोचा भी ABCD के हिसाब से होगी तब जेड बड़ा है सबसे, लेकिन ऐसा नहीं था। अब देखो 1024 ZB मिलके क्या बनाएंगे, 1 YB बनाएंगे, 1 YB बनाएंगे, 1 YB, ठीक है। फिर 1024 YB, 1024 YB मिलके क्या बनाएंगे, 1 BB बनाएंगे, 1 BB, बीबी मीन्स ब्रोंटोबाइट, ठीक है, ब्रोंटोबाइट। अब 1024, 1024 ब्रोंटोबाइट मिलके क्या बनाएंगे, 1 GB बनाएंगे, 1 GB। देखो GB दो होती है, एक तो होती है GB और एक होती है GB, ठीक है। तो जो GB है वो सबसे बड़ी, GB है वो कंप्यूटर की सबसे बड़ी मेमोरी है अभी तक की, ठीक है। इससे आगे इन फ्यूचर में और भी बन जाएगी, लेकिन अभी तक की जो सबसे बड़ी कंप्यूटर की इकाई है, यूनिट है, यूनिट ऑफ मेमोरी है, यूनिट ऑफ मेमोरी सबसे बड़ी है कौन सी है, वो है GB, जिसको हम बोलेंगे GB, ठीक है। और किससे मिलती है, 1024 ब्रोंटोबाइट से मिलकर ये बनती है। अब देखो इसको याद करने की ट्रिक, देखो आपको यहाँ तक तो याद होगा ही होगा, ठीक है, जो ये पेंटाबाइट है, पेंटाबाइट तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि GB और TB तो हमने सुना ही है, GB, TB, फिर PB, ठीक है, पेंटाबाइट तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके आगे जो EB, ZB, YB और BB और GB दे रखा है उसकी एक ट्रिक बनाई है, उसको आप ध्यान से देखो। देखो 5 ज़ेब्रा, कोई व्यक्ति है, वो अपने बच्चे को दुकान पे लेके गया साथ में, और वो दुकान वाले को बच्चा वो बोलता है कि 5 ज़ेब्रा, 5 ज़ेब्रा येलो दो साथ साथ में, 5 ज़ेब्रा, 5 5 पे क्या हो गया ई, जेड ज़ेब्रा, जे येलो, येलो मतलब वाई मीन्स योटा वाइट, ठीक है। 5 ज़ेब्रा येलो दो, दो 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 में दो मीन्स बी, ठीक है, दो मीन्स क्या हो गया, बी हो गया, दो साथ साथ, साथ साथ, साथ साथ, तेरा मेरा साथ,
सात, ठीक है। और सात पे क्या आ गया, जी आ गया। तो आपने याद रखना है, पांच जेबरा येलो दो साथ साथ, पांच जेबरा येलो दो साथ साथ, ठीक है। अब देखो पांच पे क्या हो गया, ई हो गया, पांच पे क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है। और जेबरा जे आ गया, येलो पे वाई आ गया, ठीक है। दो 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 मीन्स बी, ए बी सी डी में बी दो पे आता है, और सात सात में याद रखना है, सात सात, ठीक है। और सात पे क्या आ गया, जी। अगर इतना नहीं याद रख सकते तो आप सिर्फ इतना से याद रख लो, ठीक है। पांच जेड वाई सत्ताईस, पांच जेड वाई सत्ताईस, पांच जेड वाई सत्ताईस, पांच पे क्या हो गया हमारे पास, पांच पे हो गया सर ई, जेड हो ही गया, वाई हो ही गया, ठीक है। दो पे क्या हो गया, बी हो गया, और सेवन पे क्या हो गया, सात पे क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। तो पांच जेड वाई दो सात, ठीक है। या फिर याद रखना, पांच जेबरा येलो दे दो सात सात, उस बच्चे ने बोला पांच जेबरा येलो दे दो सात सात, ठीक है। तो इससे आपको याद हो जाएगी, ठीक है। पांच जेबरा, पांच पांच मतलब ई, ई पे क्या हो गया हमारे पास, ई पे हो गया एक्जा वाइट, फिर जेटा वाइट, फिर योटा वाइट, फिर ब्रोंटो वाइट, फिर जियो वाइट, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, यूनिट्स ऑफ मेमोरी है, मोस्ट मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक नंबर पक्का आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा पटवारी और राजस्थान पुलिस के अंदर, एक नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा, ये गारंटी है मेरी, देख लेना आप, ठीक है। मेमोरी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसको याद आराम से कर लेना, वीडियो को दो बार देख लेना, लेकिन याद जरूर करना आप, एक नंबर आपका कन्फर्म है 100%, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट एनी कॉस्ट के, क्योंकि फ्री में सेवा दे रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।